पल 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 हर पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल हर पल सो आज हम बात करेंगे 12th के बोर्ड एग्जाम्स के बारे में कि क्या होने वाले हैं और होने वाले हैं तो क्या कैसे होने वाले हैं। देखो मैंने अभी NETV के गूगल न्यूज़ के थ्रू पढ़ा है कि जो दो तरीके दिए गए हैं, एक प्रॉपर यूनियन की मीटिंग हुई कि किस तरह किया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो लेने ही लेने हैं, अब वो किस तरह लिए जाएँ और उसके दो अप्रोचेज बताई हैं। पहली अप्रोच ये होगी कि हम क्या करते हैं, 3 महीने अलाउड करते हैं, पहले जो प्री एग्जामिनेशन एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है जी, पहले महीने में, और बाकी दोनों महीने में होंगे एग्ज़ाम्स, ठीक है जी। एंड और उसके बाद चौथा महीना होगा कि अगर किसी कंपार्टमेंट आ जाती है, वैसे तो चांसेस कम हो जाते हैं इस इन सिनेरियोज में, अगर किसी की कंपार्टमेंट आ जाती है तो वो 4th महीने में लिए जाएंगे। और एग्ज़ाम डेट और इस जो डेट्स हैं इनकी अनाउंस होंगी जून की स्टार्टिंग में, और एग्ज़ाम्स लगभग मिड जुलाई के बाद स्टार्ट हो जाएंगे, एंड एस्पेशली अराउंड सेप्टेम्बर एंडिंग में रिजल्ट विजल्ट सब कुछ आ जाएगा। ये है फर्स्ट अप्रोच। अब सेकेंड अप्रोच क्या कहती है, सेकेंड अप्रोच ये कहती है कि छोड़ो प्री एक्टिविटीज़ को, हम क्या करते हैं कि एग्ज़ाम्स को 2 फेजेस में कंडक्ट करते हैं, मतलब पहले आधे बच्चों को अभी ले लेते हैं, आधे बच्चों को बाद में ले लेते हैं, और उसमें क्या करेंगे, हम एक ले लेंगे हम मेनली लैंग्वेज और 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट, और बाकी जो 5वां या 6वां सब्जेक्ट होगा बंदे का, वो जैसे मान लो कि मेरे जो 4 महीने पेपर दिए उसके दम पे मेरी 70% आई, तो आखिरी जो पेपर है उसके मार्क्स भी 70 मार्क्स लगा दिए जाएंगे। तो बताना मुझे कि आपको कौन सी अप्रोच ज़्यादा सही लगी। बस दूसरी अप्रोच में ये है कि 2 फेज़ में होगा पेपर, और शायद 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स भी बनेंगे उसमें, ये मत समझना कि पहले वाला ही आ जाएगा, ये है। पर डिफ़िकल्टी लेवल रिमेंस द सेम सेकेंड अप्रोच में। फर्स्ट में है कि प्री एक्टिविटीज़ होंगी, और प्री एक्टिविटीज़ का फ़ायदा क्या है कि उसके भी थोड़े नंबर एग्ज़ाम में ऐड हो जाएंगे, जिसका क्योंकि जैसे हम अगर बोर्ड देते हैं तो उसमें लैब के वाइवा के इन सब के नंबर भी लगते हैं ना, तो फर्स्ट में ये है, और सेकेंड में ये है कि नहीं सीधा एग्ज़ाम, और उसी के दम पे 5वें 6वें 7वें 8वें के नंबर लगा के काम ख़त्म करो। तो आप बताएं कि आपकी आपको कौन सी अप्रोच ज़्यादा सही लगी। एंड लेट्स सी, 14,30,247 लोग देने वाले हैं एग्ज़ाम तो 12वीं का, सो लेट्स सी 1 जून के आसपास आ जाएगी सारी डेट्स। एंड CBSE के पास ही ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम फर्स्ट वे के साथ जाते हैं सेकंड वे के साथ, कि CBSE डिसाइड करेगी कि कोई कौन सा वे बेटर रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। एंड और ये एग्ज़ाम इसलिए अगस्त के आसपास लिए जा रहे हैं क्योंकि पिछले साल भी अगस्त के आसपास आते आते कोविड का जो संक्रमण था वो घटने लग गया था, दैट्स द मेन रीज़न। एंड सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, एंड अगर आप कौन सी अप्रोच चाहते हैं लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करके कमेंट करके सब्सक्राइब करके बटन को हिट कर देना। नमस्ते।